पता है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ये वैकेंसी जो आ रही है कोल माइनिंग कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। गाइज ये NLC कंपनी जो है नवरत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंडर वर्क करती है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है इसकी तरफ से। और गाइस यहाँ जो आप लोगों के लिए वैकेंसी आ रही है काफ़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है। आप सभी अप्लाई ज़रूर करना। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करना, और अगर एलिजिबल नहीं है तो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच ज़रूर मेंशन कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपकी क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच से रिलेवेंट आ पाए। तो गाइस यहाँ आप सभी देख सकते हैं, मैं आपको अप्लाई लिंक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो हम लोग की क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आप फ्रेशर हैं और आप लोग यहाँ ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, सभी स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट पार्ट इस वैकेंसी का ये है गाइस, काफ़ी सारे हमारे पास 2022 वाले जो कैंडिडेट है उनका कमेंट आता है कि क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ इन लोगों ने स्पेशली मेंशन करके दिया गया है कि 2022 वाले कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2021 वाले जो कैंडिडेट हैं या फिर 2000 यहाँ पर 20 वाले कैंडिडेट हैं तो वो भी एलिजिबल हैं। तो आप सभी अप्लाई ज़रूर करना। एंड देखिए यहाँ आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब बात कर लें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा कैंडिडेट एंड यहाँ ग्रेजुएशन कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। तो गाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो गाइस जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। एंड देखिए ये जो वैकेंसी है NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है, काफ़ी अच्छी लेटेस्ट अपडेट है। अब बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। साथ में देखिए ये वैकेंसी जो है किसके अंडर वर्क करती है, मतलब जो कोल एंड माइनिंग होता है उस कंपनी से रिलेवेंट है। अब गाइस यहाँ ये नवरत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर वर्क करती है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है, आप लोग एलिजिबल रहेंगे। ये 1 ईयर की अप्रेंटिस रहने वाली है। अगर गाइस आप लोग फ्रेशर हैं और आपने अभी तक अप्रेंटिस नहीं किया है तो अप्रेंटिस ज़रूर कर लें, क्योंकि अप्रेंटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ सबसे पहले बात कर लेंगे पोस्ट की, तो जो सबसे पहले जो पोस्ट आ रही है ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों के लिए ही यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। एंड वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, पर मंथ सैलरी एंड टाइम ड्यूरेशन। तो गाइस यहाँ देखिए मैं वन बाय वन बात करती हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों की पोस्ट आ रही है मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल के लिए है 50 पोस्ट दी गई हैं और सैलरी पैकेज 15,000 प्लस दिया गया, 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं, 50 वैकेंसीज दी गई हैं, आपका सैलरी पैकेज सेम ही रहेगा। सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 18 वैकेंसी दी गई है सिविल वालों के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 8। नेक्स्ट है यहाँ पर केमिकल, तो गाइस केमिकल वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी दी गई है, ये देख सकते हैं। केमिकल वालों के लिए 5 दिया गया है, माइनिंग वालों के लिए 25 वैकेंसी दी गई है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 30 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन 8 दी गई है। साथ में गाइज ये भी एक तरीके से, मतलब जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं उनकी पोस्ट होती है, इसमें भी अगर आप लोगों ने यहाँ पर क्वालिफिकेशन कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 7 पोस्ट दी गई है फार्मासिस्ट में और यहाँ 201 आपकी वैकेंसी दी गई है, सैलरी पैकेज सेम रहेगा सबके लिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे, जो हमारे यहाँ देख सकते हैं नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट हैं वो उनके लिए ग्रेजुएशन, जैसे देखिए BCom किया है या फिर BSc किया है कंप्यूटर से, BCA किया है, BBA किया है या BSc ज्योग्राफी से किया है, टोटल पोस्ट 105 दी गई हैं और 12,000 साढ़े 12,000 सैलरी पैकेज रहेगा।
अब यहाँ टेक्निकल जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करेंगे तो जो हमारे टेक्निकल डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल की वैकेंसी 50 निकाली गई है और सैलरी पैकेज 12,500 दिया जाएगा। ये इनहैंड सैलरी है और आपका 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा। सिविल वालों के लिए भी यहाँ पर सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 50 वैकेंसी है, साथ में यहाँ पर जो आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए भी 50 है, साथ में सिविल वालों के लिए 25 दी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 5 है, माइनिंग वालों के लिए 20 है एंड कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 20 वैकेंसी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 5 वैकेंसी दिया गया है। टोटल वैकेंसी 175 दी गई है। सैलरी पैकेज 12,500 दिया जाएगा, सेम ही सैलरी पैकेज रहने वाला सभी के लिए। अब बात करें गाइज यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम आप लोगों का जो फुल टाइम होना चाहिए ये फुल टाइम डिग्री है, नॉन टेक्निकल है। तो देखिए मैंने आपको ब्रांच भी बता दी थी, ये नॉन टेक्निकल मतलब जो टेक्निकल है ग्रेजुएट वाले उनके लिए दिया गया है और ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए और ये डिप्लोमा वालों के लिए। तो गाइज फुल टाइम आप लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चाहे आप लोगों ने डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन की है, कुछ भी आप लोगों ने किया है, आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी ब्रांच से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये थोड़ा मेन रखा गया है। साथ में अगर आप लोग यहाँ पर प्राइवेट किए हैं या फिर मतलब जो डिस्टेंसिंग वाली क्वालिफिकेशन होती है उस तरीके से किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अदर के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ तो आप 2020-21-22 वाले एलिजिबल हैं। अप्रेंटिस रहेगा आपका जो अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग, ओके, यहाँ एक्सपीरियंस स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहेंगे। और बात करें गाइस एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग रखी जाएगी, यहाँ पर बताया नहीं गया। साथ में आपका कुछ रिजर्वेशन भी बताया जाता है, रिजर्वेशन कोटा भी रखा जाता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। मेथड किस तरीके से होगा, सिलेक्शन होगा आपका परसेंटेज के आधार पर, मतलब जितना आप लोगों ने परसेंटेज गेन किया उसके मार्क्स स्कोर कार्ड के आधार पर यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। जो आप लोगों ने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है उसमें जितने भी मार्क्स मिले होंगे उसके आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ काफ़ी अच्छा है, आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह भी नहीं होगा, साथ में आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि MCQ टाइप या फिर अदर कोई एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं होने वाला है। एप्लीकेशन आपका प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए ये जो ईमेल आईडी दे रखी इस पर जाके आप सभी को क्या करना है, इस पर जाना है लिंक पर, फिर आप लोग कैरियर देखेंगे तो कैरियर पर क्लिक करना है। कैरियर पेज जाने के बाद ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिस आपको देखने के लिए मिलेगा टैब, उस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन का भी मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर देना है। साथ में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई कर देना है और सबमिट भी कर देना है। तो गाइस आपकी जो लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है 24 लास्ट डेट दी गई है, इससे पहले पहले आप लोग को अप्लाई करना होगा यहाँ पर 24 अगस्त। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे डायरेक्टली आप लोग सबमिट कर सकते हैं। यह आपको देखिए पूरा एड्रेस दिया गया है, एड्रेस कहाँ का है ये भी दिया गया है। तो गाइज आप दो तरीके से सबमिट कर सकते हैं, या तो आप लोग इस ऑफिस पे इस एड्रेस पे जाके खुद जाके सबमिट करके आ सकते हैं या फिर आप लोग कोरियर वगैरह के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। और आप लोगों को क्या क्या अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट में, ये सभी जैसे मार्कशीट हो गया, ये आप लोगों का सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट प्रूफ वगैरह, ये देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं। तो जो भी आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे वो आपको बताया गया है क्या क्या सबमिट करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटैच करके आप इस पर सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग यहाँ आपको जो पूरा क्लियर हो जाएगा, देखिए क्लियर कब तक हो जाएगा, पूरा रिजल्ट वगैरह फाइनल हो जाएगा इस डेट तक, यहाँ आप लोगों को उसके बाद पता चल जाएगा आप लोग सेलेक्टेड हैं या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आप लोग जल्दी से अप्लाई कर देना, अप्लाई की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ।